करेंगे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी आज अदालत पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मौलाना के मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। मौलाना फजल-उर-रहमान क्या अपने आज़ादी मार्च में कामयाब होंगे, क्या कहा उन्होंने, ये भी आप लोग सुन लीजिए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ। और आप पीपल्स पार्टी का भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के जाने का हम सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर साहब क्या कहेंगे कि मौलाना साहब निकाल दिए, कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन? इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ। और आप पीपल्स पार्टी का भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के जाने का हम सपोर्ट कर रहे हैं। बताएगा आसिफ अली जरदारी ने मजीद क्या कहा अपनी इस गुफ्तगू में। जरदारी जी ने आज तक सिक्योरिटी में इस्लाम आबाद की पेशावर अदालत में लाया गया। जब हमने उनसे पूछा कि आया मौलाना फजल-उर-रहमान अपने आज़ादी मार्च में कामयाब होंगे, तो आसिफ अली का ये कहना था कि इंशाल्लाह हमारी दुआ इनके साथ है, हम मौलाना फजल-उर-रहमान को भरपूर सपोर्ट करेंगे। फसल आसिफ अली जरदारी से आज लावल जरदारी ने भी इस्लाम अदालत से मुलाकात की। उस मुलाकात में आज वहाँ उन्होंने जो गुजस्ता दो रोज से जो अपोजिशन की तमाम अमूर का भी साबित कर आसिफ अली को आगाह किया है और अनुरोध किया है। पर रमजान में किया जा रहा है कि आज लाहौल जरदारी भी आसिफ अली की रिमांड के बाद मिली है। जी सही, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद, आपने आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू के हवाले से हमें अपडेट किया। आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल-उर-रहमान क्या अपने आज़ादी मार्च में कामयाब हो पाएंगे। बोल न्यूज़ ने सवाल किया और इस पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो कामयाब ज़रूर होंगे।